अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं जराइम की दुनिया से, ख़बरें लेकर आते हैं और अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। आज भी एक खबर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। हमने कुछ रोज़ कबल भी स्टोरीज ब्रेक की थी कि वहाँ पर घरों के अंदर जो है वो डकैतियाँ मारने का एक मामला सामने आ रहा है। तहम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP ज़िशान साहब ने खसूसी हिदायत दी है और पुलिस के जो इलाकई पुलिस है उसको पर टास्क दे दिए गए हैं। आज उसी का नतीजा है कि गबोल टाउन पुलिस ने जो है वो घरों में डकैतियां करने वाले और बिलखसूस स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं नाजरीन हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक फैसल हैं, जो ये पूरे इंसिडेंट और इसके हवाले से कवर करके लेकर आए हैं। मलिक फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी अली रज़ा भाई, कराची में वैसे तो जो डकैती वारदात और जराइम पेशा के जो वारदातें हैं वो मुसलसल जारी थी, जिसके बाद कराची में वाहिद जिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया, जिसमें हर थाने के हदूद में किसी ना किसी मुजरिम या किसी ना किसी के स्टेट क्रिमिनल के खिलाफ या मंशात फरोश खिलाफ कार्रवाई करते हैं या डाकुओं के खिलाफ। इस बार भी जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये थाना है, थाना गबोल टाउन, जिसमें इंतहाई मतलूब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल और 2 जो है वो हाउस रोबरी में मुलविस जो मुलजमान थे, जो घरों में घुसकर जो है वारदातें करते थे, लोगों को मसले के जोर पर जो यरगमाल बना के घरों में वारदात करके बासानी फरार हो जाते थे। और ये जो दोनों मुलजमान है, ये जो एक हफ्ता पिछले एक माह कबल जो है 1 अगस्त को जो है एक घर में सेक्टर 16B के इलाके जो है राजपूत कॉलोनी में घर में डकैती की वारदात की और बासानी फरार हो गए, जिसमें लूटे हुए सामान में नकदी लाइसेंस याफ्ता उस शहरी का जो असला था वो भी, मोबाइल फोन और नकदी जो है लेकर ये बासानी फरार हो गए। इसके बाद जो के SHO सरफराज कमांडो थाना गबोल टाउन, उन्होंने टेक्निकल तौर पर जो है बुनियादी कार्रवाई करते हुए इन गिरोह का पीछा किया और इनकी मुखबरे खास से गिरफ्तार करके इनको अब जो है थाने मुंतकिल कर दिया। अब मजीद जब इनको जब थाने मुंतकिल किया तो जो मुतअद्दिद जब CRO रिकॉर्ड चेक किया तो इसमें मुतअद्दिद थानों में ये मुकदमात में इनके खिलाफ दर्ज है और इस थाने में भी अब दोबारा एक मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ तशीश का अमल शुरू कर दिया। अगर दूसरी साहब हम ये भी जानना चाहेंगे किन इलाकों से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, पुलिस कुछ क्या बताती है, थोड़ा सा इस हवाले से भी नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी अली भाई, कराची के वैसे तो मुख्तलिफ मकामात इन्होंने वारदातें की हैं, लेकिन खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये घरों में घुसकर वारदात करते थे, घर के दरवाजों पर भी ये वारदात करते थे और इसमें जो इनका एक साथी जो है वो फरार है, जिसके पास ये माल अपना जो जमा पैसा वो जमा कराते थे, जिसमें एक मरकजी मुलजिम है वो भी इसमें वो इनके पास पुलिस के पास गिरफ्तार है, जिसके लिए छापेमार अब जो है कार्रवाई। मलिक फैसल, थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा क्योंकि अक्सर व बेशतर घरों में डकैतियां करने वाले मुलजमान ये इंकशाफ करते दिखाई देते हैं कि उनकी जो रैकी है वो घरेलू मुलाजमीन करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं, तो इस हवाले से पुलिस कुछ तफ्तीश में चीजें सामने ला सकी है? हाँ जी अली भाई, कराची में वैसे तो इस तरह के वाकयात तो होते रोनमा होते रहते हैं और गार्ड हो या घर के मुलाजमा हो या मुलाजिम हो वो इस तरह की रेकी भी करवाते हैं और पहले भी गुस्ता कई साल पहले भी कुछ माह कबल भी इस तरह की रेकी करके वो घर के ही मुलाजिम करके देती लंका को ढाकर और घर में ही डकैती वारदात करवाते थे। इसमें भी जो है अब इंकशाफ जो हुआ है, जिसमें एक मुलजिम ने की तरफ से ये इंकशाफ हुआ है कि वो इस तरह के वारदात में भी मुलव्वस पाया गया है और जिसके लिए अब जो तीसरा मुलजिम है उसके लिए अब छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। और अली रज़ा भाई, अगर इसी के साथ बताऊं तो दूसरी जो कार्रवाई में जिसमें आम सदा लोग जो खवातीन है उनसे मोबाइल फोन छीन कर ये दोनों मुलजमान फरार हो जाते थे, जिसमें एक हालिया एक जो कि खातून का जो इसकी CCTV भी वायरल हुई जिसमें मोबाइल फोन छीनने में ये बासानी फरार होते, वो मोबाइल फोन भी रिकवर कर लिया गया, इसके साथ साथ 6 मोबाइल फोन और भी रिकवर कर लिए गए और मजीद अब मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाजरीन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पुलिस ने जो है मुतारिक हो गई है और बिलखसूस जो घरों में डकैतियां करते हैं उन मुलजमान के लिए जो है टास्क दे दिए गए हैं। तमाम मजीद जो गिरफ्तारियां होती हैं उस हवाले से भी हम आप नाजरीन आपको आगाह करेंगे। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं फिर हाजिर होते हैं।